गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं तपन आपका होस्ट, मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी बद्रीनाथ धाम में हूं और मैं यहां से 4 किलोमीटर आगे माना गांव तक सफ़र कर रहा हूं। इस वीडियो में आपको मैं माना गांव के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी दूंगा, जो कि उत्तराखंड स्टेट में चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ पर हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो आप मेरे साथ देखिए माना गांव। तो दोस्तों, मैं अभी पहुंच गया हूं माना गांव में। माना गांव जो है महज 4 किलोमीटर की दूरी पे है बद्रीनाथ धाम से। यहां पहुंचने के लिए आप शेयर टैक्सी ले सकते हैं या तो पैदल भी आ सकते हैं। आप चलते हुए भी जब आएंगे, काफ़ी सारे सुंदर नज़ारे देखते हुए आप यहां तक कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। माना गांव में जो यहां पे है, ये पार्किंग का एरिया है। यहाँ से आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं है, छोटा सा ही गाँव है। पार्किंग का जो फीस है, 4-व्हीलर के लिए 50 रुपीस है और 2-व्हीलर के लिए ओनली 20 रुपीस है। तो चलिए आगे हम चलते हैं और माना गांव को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, माना गांव जो है इंडिया का लास्ट विलेज है। इसके बाद इंडिया और चाइना का बॉर्डर आ जाता है। इस गांव की जो आबादी है, लगभग 200 परिवार यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर आने का जो टाइमिंग है, आप मई से लेके अक्टूबर महीना तक आ सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम में बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी होती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि गांव में जैसे ही हम घुस रहे हैं, यहां पे काफ़ी सारे दुकानें हैं। मैं आपको बता दूं, ये सारे दुकान जो हैं इसी गांव वालों के ही हैं। यहां पे आपको फ्रूट्स के दुकान, होटल्स, कपड़े के दुकान, जो है ठंडी महीने में जो स्वेटर वगैरह पहनते हैं उसके दुकान, ये सारे दुकान पे हैं। और जो है यहाँ पे जो स्पेशलिटी मुझे दिखा कि यहाँ पे जो है पैकेट करके चाय, यहाँ का जो चाय है ग्रीन टी उसको बोलते हैं, वो भी पैकिंग करके बेच रहे थे। और जो है आप देख सकते हैं गांव का जो रास्ता है, छोटा सा है, संकरा सा है, लेकिन बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा गाँव है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और ये जो है रास्ते में जाते टाइम आपको काफ़ी सारे जगह मिलेंगे यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, गणेश गुफा है, ब्यास गुफा है, आगे जो है सरस्वती नदी है, और यहाँ का आखिरी चाय का दुकान है जो कि बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर गणेश गुफा है, ब्यास गुफा है, मैं इसके हिस्ट्री के बारे में आपको बता देता हूँ। गणेश गुफा जो है, अभी वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है। यहाँ की यही मान्यता है कि गणेश जी यहाँ पे वेद की रचना किया हुआ है। और ब्यास जो गुफा है, हमारे वेद व्यास ऋषि जी यहाँ पे महाभारत की रचना की है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे जो है इसकी मान्यता है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि माना गांव जो है काफ़ी ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे है। यहाँ पे आपको क्लियरली ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। मुझे भी हो रहा था, क्योंकि इसका जो हाइट है 10,800 फीट है समुद्र स्थल से। तो जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप अपना स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखें। धीरे धीरे जो है गाँव को आप घूमिए। ये थोड़ा ऊँचाई पर है, इसीलिए जो है सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वैसा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था की केंद्र भी खुले हुए हैं। आप अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पे चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये खूबसूरत वैली बहुत सुंदर है। आगे हम चलते हैं और देखेंगे और आगे क्या क्या है। दोस्तों, मैं अभी जो है पहुंच गया हूं गांव के आखिरी पड़ाव में। और सामने आप देख सकते हैं एक ऋषि जो है तपस्या कर रहे हैं यहां पे, और गुफा जैसा ये एरिया दिख रहा है। और यहां पे काफ़ी ज़्यादा आज भीड़ है, और क्योंकि बद्रीनाथ यात्रा भी चल रहा है। और यहां पे
आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं। और नीचे जो एक मंदिर आपको दिख रहा है, ये गणेश जी का मंदिर है। और आप सीधा लास्ट में देखिए, यहाँ का अंतिम दुकान बोल के साइन बोर्ड दिया गया, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। तो ये बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, जो कोई भी यहाँ पे आता है इस दुकान से कुछ ना कुछ खरीद के फोटो भी खिंचवाते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी पहुँच गया हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी थकावट महसूस हो रही है। दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं ये माँ सरस्वती नदी है। आपको पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में या कहीं भी सरस्वती नदी के दर्शन नहीं होंगे। अगर आप माँ सरस्वती नदी का जल या तो या माँ सरस्वती नदी का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको माना गांव आना ही पड़ेगा। और ये साइट में जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी का मंदिर है, और आप देख सकते हैं उसका बगल में हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है, जहाँ काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं ये माँ सरस्वती नदी है, इनका पानी बहुत स्वच्छ है, बहुत सुंदर है। और मैं आपको यहाँ की मान्यता के बारे में बता देता हूँ। जब गणेश जी वेद की रचना कर रहे थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था उनका स्रोत के कारण। तो उन्होंने सरस्वती जी को रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा स्लो प्रवाहित होजिए। तो जब वो नहीं मानी तो गणेश जी का कहने से वो पाताल लोक में चली गई। इसीलिए जो है हमें और कहीं सरस्वती नदी का दर्शन नहीं होता। अगर हमें दर्शन करना है तो माना गांव ही आना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अभी जो है माना गांव के अंतिम दुकान, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान में हूँ। यहाँ पे भी मैंने कुछ ख़रीदारी किया हुआ है और मुझे इस गांव में आके बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। जो लोग मेरे चैनल को नए देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आने वाला जो मेरा रहेगा प्रोग्राम एपिसोड वो है केदारनाथ धाम का। तो दोस्तों, आप अपना फैमिली के सहित यहाँ पे ज़रूर आइए। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप बच्चे को साथ में ला रहे हैं तो उनका खास ख्याल रखें, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी होती है।